Good morning, class 10th. Class 10th, we are doing trigonometry. And in this class, I will teach you some very important questions. And students, I would always say this, that ask your doubts. If you ask your doubts, then it will be very convenient for me to take class, because अगर आप लोग डाउट्स पूछेंगे तो लगेगा कि आप लोग जो पढ़ाया जा रहा है उसे कर रहे हैं. सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द ईयर 2017, आईसीएसई 2017. द क्वेश्चन सेज साइन स्क्वायर 28 प्लस साइन स्क्वायर 62 प्लस टैन स्क्वायर 38 प्लस 1 अपॉन 4 सेक्स स्क्वायर 30 माइनस कॉट स्क्वायर 52. ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे तरीके से कोशिश कर रहा हूं समझाने की. So sine square 28 sin theta, the complementary angle of sine theta is, आज मैं बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा. The complementary angle of sine theta is cos 90 minus theta. So sin 62 का complementary होगा cos 90 minus 62. Okay, तो पहला टर्म लिख दिया, दूसरा टर्म लिख दिया, प्लस tan square 38 as it is, and now I will take this term minus cot theta का complementary is tan 90 minus theta. ने कहते हैं complementary angle, आपने 9th में भी पढ़े थे हालांकि, पर मैं हर एक एक चीज दोबारा से समझाता जा रहा हूं. तो tan square 90 minus 52, the complementary angle of cot 52 will be tan 90 minus 52 plus 1 upon 4. sec 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, cos 30 का reciprocal होता है ना, cos 30 होता है अंडर रूट 3 बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 बाई अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर. नेक्स्ट लाइन पर आते हैं, देखिए स्टूडेंट, साइन स्क्वायर 28 प्लस cos स्क्वायर 28. नाउ दिस इज एन आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, ओके, प्लस tan स्क्वायर 38 माइनस tan स्क्वायर 38, ये कैंसिल, 0 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 4 अपॉन 3, सो दिस इज 1 प्लस 1 अपॉन 3, दिस इज सिंपल 4 बाई 3. ये आईसीएसई 2017 का क्वेश्चन है. अब आप देखिए कि बहुत मुश्किल है या डुएबल क्वेश्चन है. मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, डुएबल है, अगर आपको सिंपल कॉम्प्लीमेंट्री के फॉर्मूलाज और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1. तो अब ये कॉम्प्लीमेंट्री आपको याद करना होगा. अब चलिए मैं आपको समझाता हूं टोटल पूरा कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है. देखिए साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉस 90 माइनस थीटा. स्टूडेंट्स, कॉस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री होता है साइन 90 माइनस थीटा. टैन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री होता है स्टूडेंट्स कॉट 90 माइनस थीटा. कॉट थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री होता है टैन 90 माइनस थीटा. सेक थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा. एंड लास्ट कॉसेक थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री होता है सेक 90 माइनस थीटा. ओके, याद रखिए इन्हें कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री. क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री. अब आपको एक और बोर्ड का क्वेश्चन करा रहा हूं, आईसीएसई 2014 का क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है. साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू, प्रूफ करना है हमें sec थीटा प्लस cosec थीटा. ध्यान दीजिएगा, अच्छे क्वेश्चन है काफी, ध्यान दीजिएगा. sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा, tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा, याद रखिएगा. चलिए इसको भी अलग से फॉर्मूला बना के समझा देता हूं. फॉर्मूलाज को आप अलग से सेपरेट वे में नोट करिएगा, ऐसा ना हो कि कहीं फॉर्मूला है उन्हीं के अगली लाइन में क्वेश्चन है, फिर बीच में कहीं फॉर्मूला आप लिख लिया. नहीं, फॉर्मूलाज आप अलग से लिखिएगा और हमेशा के लिए वो आप लोगों के पास एक जगह पर लिखे हों, ताकि आप लोगों को कभी भी लर्न करने हो बोर्ड एग्जाम टाइम में तो आप लोग सिर्फ एक पेज में सारे फॉर्मूलाज देख सके. ठीक है ना, तो नोट्स अच्छे बनाइए अपने. टेन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, याद रखिएगा. और कॉट थीटा का फॉर्मूला भी अलग से बता रहा हूं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. नाउ दिस इज साइन थीटा
plus cos theta. And if you take LCM, sine theta into cos theta will cancel, sine square theta, sine theta will cancel, cos into cos square theta. देखिए लगातार दूसरे क्वेश्चन में सेम आइडेंटिटी लगी, sine square theta plus cos square theta 1 होता है, याद रखिएगा. सो sine theta plus cos theta multiply by 1 upon sine theta into cos theta, सिंपल, ठीक है ना. सो sine theta से इसका डिवाइड कर दीजिए, sine theta upon sine theta into cos theta प्लस कॉस थीटा से इसको डिवाइड दे दीजिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वन अपॉन कॉस थीटा इज सेक थीटा. ये देखिए आईसीएसई 2014 का क्वेश्चन, और वन अपॉन साइन थीटा इज कॉसेक थीटा, है ना. तो वन अपॉन कॉस थीटा कैन बी रिटन एज सेक थीटा एंड वन अपॉन साइन थीटा कैन बी रिटन एज कॉसेक थीटा. ओके नाउ आईसीएसई 2011 के क्वेश्चन पर आते हैं. आईसीएसई 2011 ICSE 2011 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14. आज मैं बोर्ड क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूं, जिसमें कि आप लोग समझिए. कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे जरूर लेट मी नो, प्लीज लेट मी नो. कॉसेक ए माइनस साइन ए. अब एटलीस्ट इस क्लास को अटेंड करने के बाद मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जो हमने मैथ्स ग्रुप बनाया है उसमें अपने डाउट जरूर पूछेंगे. कॉसेक ए का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए. सेक ए का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू सेक स्क्वायर है. सेक स्क्वायर को मैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिख सकता हूं. सेक का रेसिप्रोकल, कॉसेक का रेसिप्रोकल, सेक का रेसिप्रोकल. अब इन्हें फॉर्मूलाज की तरह समझिए ना, यानी क्वेश्चन की तरह देखिए मत. सेक हो गया 1 अपॉन कॉस, इसे कहते हैं रेसिप्रोकल. सेक हो गया 1 अपॉन कॉस दूसरी बार लगातार, ये है रेसिप्रोकल. कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन साइन ए. एलसीएम ले लीजिए इसका, एलसीएम ले लीजिए इसका. So if you take LCM as sin A, so 1 minus sin square A. If you take LCM as cos A, then it will be 1 minus cos square A. है ना? 1 upon cos square A. 1 minus sin square A क्या होता है? Cos square A, identity होती है. 1 minus cos square A क्या identity? Sin square A. Into 1 upon cos square A. Upon cos A. Upon sin A. Sin A से sin A cancel, cos A cancel. कॉस ए से एक और कॉस ए कैंसिल. आपके पास न्यूमरेटर में है साइन ए और डिनोमिनेटर में है आपके पास कॉस ए. और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है? टैन ए. ठीक है, याद रखिएगा. चलिए अब मैं आप लोगों को क्या करा रहा हूं, अब दोबारा से सारे फॉर्मूलाज एक बार रिवाइज करा देते हैं दोबारा से. देखिए टैन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, याद रखना स्टूडेंट्स, बार बार करा रहा हूं ताकि आप लोग मुझे रिप्लाई करें, रिस्पॉन्ड करें. कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉट थीटा. और अगर मैं कॉट थीटा का रेसिप्रोकल कहूं तो ऑब्वियसली 1 अपॉन टेन थीटा होगा. साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा. और अगर मैं कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल बोलूं तो ऑब्वियसली 1 अपॉन साइन थीटा होगा, है ना. कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन सेक थीटा. अगेन अगर sec थीटा का रेसिप्रोकल बोले तो 1 अपॉन cos थीटा होगा. ठीक है, समझ में आ रहा है. अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें, एक बार फिर समझा रहा हूं. अगर sin थीटा, चलिए कॉम्प्लीमेंट्री तो अभी बताई दिया था, आइडेंटिटीज की बात करें तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. एंड sec स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. लर्न द फॉर्मूलास, आस्क योर डाउट. एक और क्वेश्चन देखिए आईसीएसई 2011 का, क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है, मैं क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को बुक में इजीली मिल जाए. 2 टैन 35 अपॉन कॉट 55 का होल स्क्वायर प्लस कॉट 55 अपॉन टैन 35 का होल स्क्वायर माइनस 3 sec 40 अपॉन cosec 50. ये देखिए पूरा कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंट्री पर. tan 35 का कॉम्प्लीमेंट्री होगा cot 90 माइनस 35. cot 55 को ऐसे ही रहने दीजिए. ठीक है, अब आइए इधर.
कॉट 55 का कॉम्प्लीमेंट्री होगा 10, 90 माइनस 55 अपॉन 10, 35 ऐसे रहने दीजिए, माइनस सेक 40 का कॉम्प्लीमेंट्री कॉसेक 90 माइनस 40 अपॉन कॉसेक 50। एक लाइन और, बस एक लाइन, सिर्फ एक लाइन, 90 में से 35 गया, कॉट 55 अपॉन कॉट 55 ये कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए 1 हो गया, सिर्फ 2 बचा। इसी तरीके से टेन 35 अपॉन टेन 35, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? फीडबैक दीजिए, टीचिंग इज अ काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन, इफ यू रिस्पॉन्ड मी, इफ यू गिव मी द फीडबैक, मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं कोशिश, अच्छी कोशिश करूंगा। ये देखिए ये कैंसिल, कल मैं लाइव क्लास लूंगा आप लोगों के साथ, कल लाइव क्लास लूंगा तो अपने डाउट्स तैयार रखिए, ठीक है ना। 2 + 1 3 में से 3 के 0। चलिए अब प्रैक्टिस करिए, एक्सरसाइज 21 ई करिए, सिर्फ एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ, 21 ई, और डाउट्स पूछिए। थैंक यू।